पालमपुर गांव एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है। यहां पर सभी लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। इसी गांव में दीनानाथ नाम का एक बुजुर्ग आदमी रहता है, जो कि कारखाने में काम करके अपने खानदान का ख्याल रखता है। खानदान के सभी लोगों का खर्चा दीनानाथ ही उठाता है। दीनानाथ जिस कारखाने में काम करता है, एक दिन वो अचानक बंद हो जाता है। हे ऊपर वाले, ये क्या कर दिया तूने? मुझसे मेरा काम छीन लिया, अब मैं अपने परिवार को कैसे संभालूंगा? आप चिंता मत कीजिए दादाजी, आपको जल्दी ही कुछ दूसरा काम मिल जाएगा। देखो मेरा पोता कितना बड़ा हो गया है, जो आज अपने दादाजी को समझा रहा है। जैसे ही कोई दूसरा काम मिलेगा, मैं तेरे स्कूल की फीस भर दूंगा बेटा। दीनानाथ नए काम की तलाश में घर से निकल जाता है। उसको एक नया काम तो मिल जाता है, पर यहाँ पर उसे पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। दीनानाथ अपने खानदान के लिए काम करना शुरू कर देता है। वो दिन भर मेहनत करके पत्थर तोड़ना शुरू कर देता है। साहब, मेरा आज का काम पूरा हो गया, मुझे आज के काम के पैसे दे दीजिए। ये लो तुम्हारे पैसे, पर ये तो सिर्फ 200 है। मैंने तो दिन भर काम किया है, उस हिसाब से मुझे तो ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे। तुम क्या कोई सरकारी नौकरी कर रहे हो? ये पत्थर तोड़ने का काम है, यहाँ पर जितने पत्थर तोड़ोगे उतने ही पैसे मिलेंगे, समझे? पर साहब, इतने पैसे में तो मेरे पोते के स्कूल की फीस भी पूरी नहीं होगी, तो मैं क्या करूँ? मुझसे पूछकर पोते को स्कूल में डाला था क्या? चुपचाप पैसे लेकर घर चले जाओ, वरना ये भी पैसे छीन लूंगा तुमसे। दीनानाथ चुपचाप बेबस होकर यहाँ से घर चला जाता है। घर में दीनानाथ की बीवी बीमार है, पर उसके पास अपनी बीवी के लिए दवा खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। वो आज मिले पैसे से या तो अपने पोते की फीस भर सकता है या फिर अपनी बीवी के लिए दवा खरीद सकता है। दीनानाथ बहुत सोचता है, फिर दवा खरीदने के लिए जाने लगता है। दीनानाथ को जाते हुए उसकी बीवी देख लेती है और उसे रोकती है। कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को? तुम्हारे लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी फिक्र छोड़िए और मोहन के स्कूल की फीस के बारे में सोचिए। आज उसको स्कूल से घर भेज दिया गया, अगर कल तक फीस नहीं भरी तो हमेशा के लिए स्कूल से निकाल देंगे। दीनानाथ कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। वो फिक्र की वजह से पूरी रात नहीं सो पाता है। अगले दिन वो 200 रुपए मोहन को फीस भरने के लिए दे देता है और बिना नाश्ता किए ही काम पर चला जाता है। रास्ते में उसे भूख लगती है तो वो एक समोसा खरीदता है, पर तभी एक बुजुर्ग औरत उसके पास आती है। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दीनानाथ को उस बुजुर्ग औरत की हालत पर तरस आ जाता है और वो अपना समोसा उस बुजुर्ग औरत को दे देता है। बुजुर्ग औरत आधा समोसा खा लेती है और बचा हुआ समोसा वहीं पर रख कर जाने लगती है। तेरा भला हो बेटा, आज तूने इस गरीब बुजुर्ग की भूख मिटाई है। दीनानाथ को कुछ भी समझ नहीं आता कि उस बुजुर्ग औरत ने समोसा आधा खाकर आधा वहाँ क्यों रख दिया। वो देखता है कि वो बुजुर्ग औरत दूर जा चुकी है। इसके बाद वो समोसे की तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बचा हुआ आधा समोसा एक बहुत बड़ा हथौड़े का रूप ले चुका होता है। लगता है ये जरूर कोई भगवान का रूप रही होगी और इन्होंने ऐसे बुरे वक्त में मेरी परीक्षा लेकर मुझे ये हथौड़ा दिया है, अब इससे मैं ज्यादा पत्थर तोड़ूंगा। दीनानाथ उस जादुई समोसे के हथौड़े को लेकर काम पर जाता है और उससे पत्थर तोड़ने लगता है। इस समोसा हथौड़े से पत्थर जल्दी जल्दी टूट रहे थे, इसलिए दीनानाथ कम वक्त में ज्यादा पत्थर तोड़ लेता है। मैनेजर साहब, आज तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे ना, आज तो मैंने पत्थरों का ढेर लगा दिया। मैनेजर देखता है कि आज दीनानाथ ने बाकी सभी मजदूरों से ज्यादा पत्थर तोड़े हैं
उसको पहले यकीन नहीं होता। हाँ हाँ ठीक है, आज तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे, पर ज्यादा खुश मत हो जाओ। तुमने मामूली पत्थर तोड़े हैं, कोई बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ा है, इसलिए तुम्हें सिर्फ 500 रुपए ही दूंगा। ठीक है साहब, जो आपको ठीक लगे दे दीजिए। मैनेजर अपनी जेब से 500 रुपए निकालता है और दीनानाथ को दे देता है। दीनानाथ खुशी खुशी वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है। आज तो सबसे पहले बीवी के लिए दवाइयाँ लूँगा, बिचारी कितने दिनों से बीमार है। दीनानाथ दवा की दुकान पर जाता है और वहाँ से अपनी बीवी के लिए कुछ दवाइयाँ खरीदता है और मोहन के लिए कुछ खिलौने भी खरीद लेता है और उसके बाद वो अपने घर जाता है। ये लो मोहन बेटा, तुम्हारे लिए मैं घोड़ा लेकर आया हूँ। दादाजी मुझे स्कूल फीस चाहिए, इसकी क्या जरूरत थी? तुम फिक्र मत करो बेटा, मेरे पास उसके लिए भी पैसे हैं। दीनानाथ मोहन को उसके स्कूल फीस के लिए पैसे देता है और दवाइयाँ लेकर अपनी बीवी के पास जाता है। इन दवाइयों की क्या जरूरत थी, मैंने कहा था ना कि बस मोहन की फीस भर दीजिए। हाँ हाँ, तुम तो बूढ़ी हो चुकी हो, कई बार सुन चुका हूँ मैं ये सब, पर अब किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतने पैसे हैं कि अब मैं सबकी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ। दीनानाथ अपनी बीवी को दवाई देता है। आज दीनानाथ को सुकून की नींद आती है और वो सो जाता है। सुबह उठकर दीनानाथ अपना जादुई समोसा हथौड़ा लेकर काम पर चला जाता है और आज भी दीनानाथ अपने जादुई हथौड़े की मदद से कम समय में ही बहुत सारे पत्थर तोड़ लेता है। ये देखकर मैनेजर उससे जलने लगता है और वो मालिक के पास जाकर जेसीबी मशीन खरीदने की बात करता है ताकि मशीन आने से सभी मजदूरों को काम से निकाल सके। साहब अगर हम एक जेसीबी मशीन खरीद लेंगे तो हम जल्दी ही सारे पत्थर को तोड़ देंगे और हमें मजदूरों को ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें सही लगता है कारखाने के पैसे से एक जेसीबी मशीन खरीद लो। मैनेजर मालिक से पैसे लेकर एक जेसीबी मशीन खरीदता है, पर वो मशीन चट्टान के बीच में जाकर फंस जाती है और चट्टान कठोर होने की वजह से मशीन खराब हो जाती है। क्या जरूरत थी साहब इतनी महंगी मशीन खरीदने की, हम लोग अपने हथौड़े से पत्थर तोड़ तो रहे थे। इतनी मजबूत चट्टान है कि जेसीबी मशीन भी खराब हो गई और तू अपने हथौड़े से ये चट्टान तोड़ेगा, बेवकूफ कहीं का। मैनेजर दीनानाथ का मजाक उड़ाता है, पर दीनानाथ उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और अपना हथौड़ा लेकर चट्टान तोड़ने चला जाता है। कुछ ही वक्त में दीनानाथ अपने जादुई समोसा हथौड़े की मदद से पूरे चट्टान को तोड़ देता है। ये देखकर मालिक बेहद खुश हो जाता है। तुमने जेसीबी मशीन खरीद कर मेरे पैसे बर्बाद कर दिए, वो सब मैं तुम्हारे सैलरी में से काटूंगा और आज से यहाँ का मैनेजर दीनानाथ है और तुम एक मामूली वर्कर हो। मैनेजर बनने के बाद दीनानाथ सभी गरीब मजदूरों के साथ अच्छा बर्ताव करने लगा, उन्हें काम के हिसाब से पूरे पैसे देने लगा, जिससे कि सभी मजदूर मन लगाकर काम करते हैं और ये छोटा सा कारखाना देखते ही देखते एक बेहद बड़ी कंपनी बन जाती है। प्रीतमपुरा में मुन्ना पहलवान का ही दबदबा था। मुन्ना जिस्म से बड़ा और बर्ताव से जालिम था, उसे बेहद गुस्सा आता था। मुझसे बहस करेगा, तेरी ये मजाल, आज तुझे सबक सिखाता हूँ। और गुस्से में वो लोगों को मारता पीटता था और इसी वजह से सारे गांव वाले उससे खौफ खाते थे। और उसकी दूसरी बुरी आदत थी मुफ्त का खाना खाना। सुबह सुबह वो माधव की पूरी सब्जी के ठेले पर पहुंच जाता था। ओ माधव भाई, 5 प्लेट पूरी सब्जी दे दो। हाँ भाईजान, ला रहा हूँ। और सब्जी काफी मिकदार में देना, बहुत ही कंजूसी से देते हो। अरे शैतान, तू तन्हा ही आधी सब्जी खा जाता है बार बार मांग कर, और कहता है मैं कंजूसी से देता हूँ। मेरी कुव्वत में हो तो तेरी पूरी सब्जी में जहर मिला दूं। अरे आज इतनी देर क्यों लग रही है, आया भाईजान। माधव को न चाह कर भी मुन्ना पहलवान को मुफ्त में पूरी सब्जी देनी ही पड़ती थी, क्योंकि सारे गांव वालों की तरह वो भी मुन्ना पहलवान से खौफ खाता था।
पूरी सब्जी खाने के बाद मुन्ना पहलवान समोसा खाने जोगी के समोसे के ठेले पर पहुंच जाता। अबे ओ जोगी, 10-12 समोसे दे चटनी के साथ। अजी देता हूँ। अरे इस गधे का कुछ तो करना पड़ेगा, हर रोज मुफ्त का समोसा खाने आ जाता है, इसकी वजह से मेरा कितना नुकसान हो रहा है। हे भगवान, कोई तो तरकीब दे दो। अबे ओ जोगी, सुर्ख वाली चटनी भी दे दे। हाँ हाँ दे रहा हूँ। मुन्ना पहलवान सारे समोसे खाकर डकार मार कर वहाँ से निकल गया। लेकिन अब जोगी सोच में पड़ गया कि वो मुन्ना पहलवान से कैसे निजात पाएगा। जोगी माधव से मिलने उसकी दुकान पर गया। क्या हुआ भाई, आज तुम यहाँ? अब क्या बताऊँ माधव भाई जान, मुन्ना पहलवान के मुफ्तखोरी से परेशान हूँ। अरे परेशान तो मैं भी हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, मुन्ना पहलवान से भला कोई कुछ कह सकता है? वो बात बात पर गुस्सा हो जाता है और लोगों को पीटने लगता है। हाँ वो तो है, उसे ताकत से तो नहीं हराया जा सकता, लेकिन अक्ल से। अब तुम्हें ही कोई तरकीब निकालनी होगी जोगी, मेरी तो जिंदगी गुजर गई उस मुफ्तखोर को मुफ्त में खिलाते खिलाते। ठीक है भाईजान, मैं कुछ न कुछ सोच ही लूंगा। उस रोज से जोगी तरकीब ढूंढने लगा कि वो कैसे मुन्ना पहलवान से निजात पा सकता है। दिन रात स्टॉल पर काम करते करते हुए वो वही ख्याल में खोया रहता। एक रात की बात है, जोगी अपना स्टॉल बंद कर रहा था, तभी उसके पास एक ज़ईफ शख्स आया। बेटा समोसा है क्या? आखिरी 2 बचे हैं, ये लीजिए। कितने पैसे हुए बेटा? अब क्या पैसे लूं चचा जान, आखिरी 2 थे, आपके लिए मुफ्त थे। अच्छा, तुमने मेरा पेट भर के मेरी मदद की, तो अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। वो कैसे? ये लो जादुई पाउडर, इसे कल अपने समोसे में मिला देना और उसे समोसा खाने की आजमाइश देना। तुम खुद अपने बनाए हुए समोसे खाना, मुन्ना एक समोसा से ज्यादा खा ही नहीं पाएगा और वो हार जाएगा। हाँ, और फिर वो कभी भी मुफ्त का समोसा नहीं खाएगा। वाकई? हाँ। और फिर वो ज़ईफ शख्स गायब हो गया। जोगी काफी देर तक उस जादुई पाउडर को देखता रहा। अगली सुबह समोसा बनाते वक्त जोगी ने समोसे में वो पाउडर मिला दिया। अब आएगा मजा। और फिर जोगी हमेशा की तरह अपने समोसे बनाने लगा। रोज की तरह मुन्ना पहलवान पहले पूरी सब्जी के स्टॉल पर गया। वहाँ उसने 5 प्लेट पूरी सब्जी खाई और फिर समोसे खाने के लिए चल पड़ा। अबे ओ जोगी, 10-12 समोसे दे दे चटनी के साथ। भाईजान, आज तो मैं आपसे आजमाइश करना चाहता हूँ, आपसे ज्यादा समोसे मैं खा सकता हूँ। अरे ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं आपको समोसा खाने की आजमाइश में हरा दूंगा। अच्छा तो चल हो जाए आजमाइश, पूरे गांव को बुला ले। ठीक है। अपने समोसे के स्टॉल के बाहर एक बेंच लगा दिया और उस बेंच पर 2 बड़े बड़े प्लेट में समोसे रख दिए। आज मैं और मुन्ना भाईजान दोनों समोसा खाने के मुकाबले में भाग लेंगे। अगर मुन्ना भाईजान जीते तो मैं ताउम्र उनके घर पर सुबह समोसे की सुपुर्दगी करूंगा, वो भी मुफ्त। और अगर जोगी जीता, जो कि मुमकिन नहीं है, तो मैं कभी भी मुफ्त का नहीं खाऊंगा। तो ये तय रहा, अगर मुन्ना को जीत हासिल होती है तो ताउम्र जोगी मुन्ना को समोसे की घर पे सुपुर्दगी करेगा, और अगर जोगी जीतता है तो मुन्ना मुफ्तखोरी करना छोड़ देगा, वो हर चीज के पैसे देगा। ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। एक जानिब है मुन्ना पहलवान और दूसरी जानिब है जोगी। आइए देखते हैं इस मुकाबले का अंजाम क्या होता है। और फिर सीटी की आवाज से मुकाबला शुरू हुआ। मुन्ना और जोगी दोनों ने एक एक समोसा उठा लिया। मुन्ना ने हड़बड़ी में समोसा मुंह में डाल लिया और जोगी आराम से समोसा खाने लगा। मुन्ना समोसा चबाए जा रहा था, लेकिन उसका समोसा खत्म ही नहीं हो रहा था। बेचारा मुन्ना पहलवान, जादुई पाउडर से बना समोसे खाकर वो हार ही जाएगा। जोगी ने एक समोसा खत्म किया और फिर दूसरा खाने लगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। मुन्ना पहलवान अभी तक पहला समोसा ही खा रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है,
मैं खा क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये मुझे क्या हो गया? वहाँ देखते ही देखते जोगी ने 8 समोसे खा लिए। मालूम होता है मुन्ना पहलवान का पेट भरा हुआ है, वो तो एक भी समोसा नहीं खा पा रहे हैं। मुन्ना पहलवान ने उसे घूर कर देखा, लेकिन काफी वक्त से मुन्ना पहलवान से पहला समोसा ही खत्म नहीं हो पा रहा था। आखिर परेशान होकर मुन्ना बेंच पर से उठ गया। क्या हुआ मुन्ना भाईजान? मुन्ना की आंख, नाक और मुंह सब सुर्ख हो चुके थे। वो समोसा खत्म ही नहीं कर पा रहा था और फिर आखिरकार उसने वो समोसा थूक ही दिया। मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। तो आज एक नामुमकिन जीत हासिल की है जोगी ने। जोगी ने 10 समोसे खा लिए और मुन्ना हार गया है, वो एक भी समोसा नहीं खा पाया। मुन्ना पहलवान इतनी बुरी तरह से हारेगा ये सोचा भी नहीं था। अरे ये कैसा पहलवान है? अरे भाई इससे बेहतर तो जोगी है। मुन्ना पहलवान के तो दिन भर गए। गांव वाले तरह तरह से मुन्ना पहलवान का मजाक उड़ा रहे थे और इस मर्तबा मुन्ना को सबकी बातें सुननी पड़ रही थी। मुन्ना पहलवान पहली मर्तबा मुकाबला हारा था। लानत है मुझ पर। मुन्ना अपना मुंह छुपाकर वहां से भाग निकला। सारे गांव वालों ने जोगी की बहुत तारीफ की। वाह जोगी, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने हम सब की परेशानी हल कर दी। और भाईजान, मुन्ना पहलवान ने तो मुंह की खाई है, लगता नहीं कि अब कोई गांव वाला उससे खौफ खाएगा। उस रोज से मुन्ना का दबदबा खत्म हो गया। अब गांव वाले उससे खौफ ज्यादा नहीं होते थे और ना ही वो मुफ्त खोर बनकर गांव वालों के ठेले से मुफ्त में खाया करता था। अरे माधव भाईजान, 3 प्लेट पूरी सब्जी दे दो और ये लो पैसे। देता हूँ मुन्ना भाईजान। मुन्ना की मुफ्तखोरी का खात्मा हुआ और ये सब जादुई पाउडर से बने जादुई समोसे की वजह से हुआ। ये कहानी है मथुरा के लल्लन की। लल्लन एक बड़ी सी कंपनी में ठेकेदार का काम किया करता था। लल्लन होशियार और चालाक था और अपनी बीवी सोमलता के साथ रहता था। टिफिन दे दो, मुझे काम के लिए बहुत देर हो रही है। मैं कब काम पर जाऊंगा? अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन की तनख्वाह कट जाएगी मेरी। ओफो, दे रही हूँ, मेरे कोई 4-5 हाथ थोड़ी ना है जो मैं नहीं दूंगी। ये लो, लेकर जाओ, ठूस ठूस कर खा लेना। मैं इसलिए कहती हूँ कि नौकरी छोड़ दो और मेरे साथ कारोबार करो, लेकिन आप हो कि मेरी बात ही नहीं सुनते। धंधे का कोई ठिकाना नहीं होता, नौकरी अच्छी है, कम से कम एक किस्म का तनख्वाह तो जेब में आ रहा है ना। अब मैं क्या कहूँ, जैसा आपको ठीक लगे। लल्लन अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ यहाँ पर कैसे, क्या हो गया आखिर, जाकर देखता हूँ। लल्लन वहाँ जाता है और जाकर देखता है कि वहाँ एक बोर्ड टंगा हुआ है, कंपनी घाटे में जाने के वजह से सबको नौकरी से निकाला जा रहा है। यानी कि हम सबको नौकरी से निकाला जा चुका है। आए आए, मेरी बेगम बच्चों को कौन संभालेगा, मेरे खानदान का क्या होगा? बिना कुछ नोटिस दिए, बिना कुछ किए ये कैसे हमें नौकरी से निकाल सकते हैं? पिछले कई सालों से हम कंपनी में काम कर रहे हैं। नौकरी से निकाले जाने की फिक्र में लल्लन अपने घर बेहद उदास होकर आता है। लल्लन को उदास देख उसकी बीवी उससे कहती है, आप बेहद परेशान लग रहे हैं, मसला क्या है? और ये क्या, टिफिन भी वैसी की वैसी ही है, इससे भी आपने नहीं खाया? सुबह तुम मजाक कर रही थी, वही बात सच हो गई, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सारे एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या कहा आपने, आखिर ये कैसे मुमकिन है? इतने सालों से आप वहाँ काम कर रहे हैं और ये अचानक नौकरी से निकाल देना, ये तो बेहद गलत है, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू? जो काम आप कर रहे थे ये और कहीं भी नहीं है, हमें ही कोई और दूसरा रास्ता निकालना होगा। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, क्यों ना तब तक हम धंधा कर ले समोसा बेचने का। तुम समोसा बेहद अच्छा और लजीज बनाती हो। ये तो आपने मेरे मन की बात कह दी, हम ऐसा ही करेंगे, मैं समोसा बनाऊंगी और आप गांव-गांव जाकर उस समोसे को बेचना।
सोमलता और लल्लन दोनों ही समोसा बनाने का काम करने लगते हैं। सोमलता अपने हाथों से समोसा बनाने लगी और लल्लन उन्हें एक बड़े से ठेले पर रखकर और बेचने के लिए निकल पड़ा। आज हमारा पहला दिन है, मालिक से दुआ करना कि सब कुछ अच्छा ही हो। आप उसकी फिक्र मत करिए, सब अच्छा ही होगा। लल्लन अपने कस्बे से दूसरे कस्बे जाकर समोसे बेचने लगा। समोसा, गरम गरम समोसा, जो खाए मुस्कुराए, जो ना खाए वो पछताए। अरे अरे वो देखो, लगता है नया समोसे वाला आया है, चलो जाकर खाकर देखते हैं। खुशबू भी अच्छी आ रही है, चलो आज तो पेट भर के खाऊंगा। और आज के समोसे के पैसे मैं दूंगी। हाँ, ये समोसे मेरी तरफ से, मुझे जो नौकरी मिली है ना उसी की पार्टी। लल्लन के पास लोगों की भीड़ उभर आई। देखते ही देखते उसके सारे समोसे पहले ही दिन के कुछ ही घंटों में खत्म हो गए। लल्लन बड़ा खुश था, लेकिन दूसरी ओर बाकी समोसे और फरसान के कारोबारियों का नुकसान होने लगा। तब सोमनाथ और नितिन एक दूसरे से कहने लगे, इस समोसे वाले के वजह से आज मेरा एक भी समोसा नहीं बिका है, पूरे पैसे बर्बाद। तुम्हारे तो समोसे है, मेरी तो पूरी दुकान फरसान की है, ये अचानक आया कैसे हमारे धंधे पर ठप लगाने के लिए? सोमलता, सुनती हो, कहाँ हो तुम? बड़े खुश नजर आ रहे हैं जी, क्या बात हो गई? ये देखो ये रुपए, हमारे सारे समोसे केवल 2 घंटे में ही बिक गए। सच कहा था तुमने, अगर नौकरी करता तो इतने पैसों में महीने भर में भी नहीं कमा पाता। अब कल तुम मुझे ज्यादा समोसे बना कर देना, मैं उन्हें भी बेच दूंगा, आमदनी ही आमदनी होगी। जी ये भी कोई कहने की बात है, मैं और ज्यादा और लाजवाब समोसे बना कर दूंगी। सारे पैसे लल्लन ने सोमलता को दे दिए। अगले दिन के लिए सोमलता ने कई सारे समोसे बनाए और उन्हें लिए लल्लन दोबारा उसी कस्बे में बेचने निकल पड़ा और वहाँ ठेला लगाकर बेचने लगा। ऐसे ही लल्लन को कुछ दिन हो गए समोसा बेचते हुए। तब नितिन और सोमनाथ ने तय किया, इस लल्लन का कुछ करना पड़ेगा, मेरे पास नशीली दवाई है, उसके समोसे में यही मिला दो। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं जाकर उससे बात करूंगा, इतने में तुम उन समोसे में दवाइयां मिला देना। सोमनाथ और नितिन उसके दुकान के पास जाते हैं। तब सोमनाथ लल्लन का ध्यान भटकाता है। अरे लल्लन भाई, वो देखो वहाँ उस गरीब कुमार के यहाँ मिट्टी के सामान उठाने हैं, तुम चलोगे? सिर्फ मुझसे नहीं होगा, बड़ा वजन है। अरे सोमनाथ भाई, ये भी कोई कहने की बात है, चलो, कुमार चाचा की उम्र भी तो हो गई है। सोमनाथ लल्लन को लेकर कुमार चाचा के घर चला गया। मौका मिलते ही नितिन ने उसके समोसे में नशीली दवा मिला दी। दूसरी तरफ लल्लन वहाँ जाकर देखता है कि सोमनाथ उसके साथ है ही नहीं। तब वो कुमार चाचा से कहता है, चाचा क्या हाल चाल, मैंने सुना है कि कोई बहुत भारी चीज उठानी है। इस बूढ़े के दुकान में क्या भारी होगा बेटा, तुम्हें किसी ने बुद्धू बनाया है। हो सकता है सोमनाथ भाईजान का मजाक हो, लेकिन आप परेशान क्यों लग रहे हैं, कोई बात है क्या? तब उस चाचा ने अपना हाल बताया और कहने लगा, पिछले कई दिनों से कर्ज का मारा हूँ, मैंने खाना भी पिछले हफ्ते खाया है। ये भी कोई कहने की बात है चाचा, ये लीजिए कुछ रुपए, जब आपके पास आ जाए तब मुझे वापस लौटा दीजिएगा। एक वक्त मैं भी आप ही की तरह परेशान था, लेकिन अब मैं बिल्कुल खुश हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। लल्लन उस बूढ़े चाचा को पैसे देकर जा ही रहा था कि उन्होंने उससे कहा, जाने से पहले मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि ये सोमनाथ और नितिन ने तुम्हारे समोसे में नशीली दवाई मिलाई है, मैंने उन्हें बात करते हुए सुन लिया था, तुमने मेरी मदद की इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया। नशीली दवाएं आखिर क्यों? ताकि तुम्हारा धंधा चौपट हो जाए। चाचा ने उसे सारी बातें बताई और कहने लगे, तुम्हें एक तोहफा मेरी तरफ से, ये रखी हुई मिट्टी को ले जाओ। इस मिट्टी में ऐसा क्या है चाचा? देखो तो ये मामूली मिट्टी है, तुम्हें इस मिट्टी के आज पर समोसा पकाना है, जमीन में गाड़ कर, और देखना तुम जो भी समोसा बनाओगे वो जादुई बनेंगे, जब मिट्टी खत्म हो जाए तब दोबारा लेने आ जाना, मिट्टी के समोसे खाते ही लोग भाग भाग कर तुम्हारे यहाँ और मांगने आएंगे। लल्लन ने ठीक वैसा ही किया, उस जगह की मिट्टी को लेकर वो अपने घर आ गया और सारी बातें अपनी बीवी सोमलता को बताई। मिट्टी का समोसा, ये क्या है जी, इसे तो मैं भी बनाना चाहूंगी।
तो फिर देर किस बात की, इस जादुई मिट्टी से जादुई समोसे बना दो। सोमलता ने समोसे में आलू और मसाला भरकर तैयार रख दिए। लल्लन उस मिट्टी को गड्ढे में डालने लगा और वही समोसे को गाड़ कर लकड़ियों में आग लगा दी। आग की तपती आंच में समोसे पकने लगे, उसकी खुशबू चारों ओर फैलने लगी। खुशबू तो बेहद अच्छी और बेहतरीन आ रही है, ये समोसे बेहद बहुत लाजवाब होंगे। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। जादुई मिट्टी के बने हुए समोसे बहुत ही लजीज थे। उन मिट्टी के समोसे को लेकर लल्लन बेचने निकला। मिट्टी के समोसे ले लो, मिट्टी के समोसे ले लो। मिट्टी के समोसे क्या है भाई, लगता है चलकर खाना ही पड़ेगा। मैं अभी जाकर खाऊंगी। मिट्टी के समोसे सुनते ही सब मिट्टी के समोसे खाने के लिए लाइन में लग गए और लल्लन का बहुत ज्यादा धंधा होने लगा। ज्यादा धंधे के चलते नितिन और सोमनाथ को अपनी दुकान बंद करने पड़ी और लल्लन के मिट्टी के जादुई समोसे बहुत ज्यादा चलने लगे और लल्लन और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।